हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेजर वेव। आई एम श्रुति। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप हेल्दी एंड सेफ होंगे। तो जो मेरा ये वीडियो है, ये श्रुति के फर्स्ट बर्थडे का है और जो मैंने डेकोरेशन किया था वो मैंने खुद से किया था। घर पे सारी चीज़ें मैंने खुद से ही डेकोरेट करी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली थी और हम घर नहीं जा पा रहे थे और सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड थे और श्रुति थे बर्थडे पे। तो हमने उसका छोटा सा डेकोरेशन, थोड़ी छोटी सी पार्टी हमने घर पर ही करी थी। हम घर तो जा नहीं सकते थे लेकिन मेरे शिद का फर्स्ट बर्थडे था तो मुझे अच्छे से डेकोरेशन करना था। मुझे यह था कि मुझे मेरे बेटे का अच्छे से बर्थडे मनाना है और मैंने बहुत ही मिनिमम चीज़ें यूज़ करी थी, बहुत ही आराम से जो कि मिल गई थी किसी भी बेकरी स्टोर से। आप आराम से इसको परचेज़ कर सकते हो या फिर किसी स्टेशनरी शॉप से भी आराम से आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हो। जो मैंने पीछे बैकड्रॉप लगाया है श्रुति की फ़ोटो का, ये एक फ्लेक्स बैनर है जो कि मैंने प्रिंटर के यहाँ से प्रिंट कराया था। इसको श्रुति की फ़ोटो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है श्रुति की वाली फ़ोटो, इसी को मैंने बैकड्रॉप पर लगाया था। और साथ ही साथ इसमें मंथ के बर्थडे का फ़ोटो बैनर इसमें लगाया है मैंने। और ये पेपर बैनर था जो कि मैंने अमेज़ॉन या फिर शायद फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था और इसमें हर मंथ की श्रुति की फ़ोटो है। हर मंथ मैं श्रुति की बर्थडे की फ़ोटो क्लिक करती थी, हर मंथ की श्रुति के बर्थडे पे फ़ोटो क्लिक करती थी और केक वगैरह कटवाती थी। तो वही सारी फ़ोटो मैंने इसमें बैनर में लगाया मंथली मंथ वाइज। और साथ में जो मैं इसमें ऊपर लगा रही हूँ ये रिबन है जो कि मैंने ऊपर सेलो टेप से स्टिक किया है। इसको सेलो टेप से क्रॉस के फॉर्म में मैंने इसको स्टिक किया है रिबन को, ताकि इसकी जो ग्रिप और अच्छी हो जाए। इसी में मैं भी जो मैं बलून आर्क लगाऊंगी वो इसी में मैं स्टिक करने वाली हूँ पूरा इसको, ताकि इसमें जो होल्ड उसको काफ़ी अच्छा सा मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी मेरे यहाँ पर कोई भी कील वगैरह कुछ भी नहीं थी तो मैंने इसीलिए इसको रिबन को लगाया है बीच बीच में, ताकि मैं इसी से ही बलून को इसमें होल्ड करूँ। भी मैं आगे आपको दिखाऊँगी। और ये मैंने बलून आर्क यूज़ किया हुआ है। मैं उस समय फ़ोटो मेरी सामने से मैं बना नहीं पाई, मेरे को ध्यान नहीं था और मैं श्रुति को भी देखते जा रही थी क्योंकि श्रुति उस कमरे में सो रहा था, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया उस समय कि मेरा फ्रेंड से मैं बना नहीं पा रही इस वीडियो को। मैंने साइड में एक फ़ोटो लगाई है, उसमें आप देख सकते हो कि बहुत ही इजी वे में बलून आर्क में जो स्ट्रिप होती है बलून आर्क की स्ट्रिप, इस पर आप बलून्स को स्टिक बहुत ईजिली वे में कर सकते हो। मैंने एक फ़ोटो लगाई है, आप उसमें देख सकते हो। एक एक करके मैं इसमें सारी फ़ोटो, मैंने कोकोमेलन की थीम सेलेक्ट करी थी तो कोकोमेलन की थीम के हिसाब से इसमें सारे बलून्स मैंने उसी उसमें इसमें फिक्स किए हुए हैं। बलून आर्क में जो बलून मैंने सेट किए हैं वो कोकोमेलन के हिसाब से सेट किए हैं, रेनबो थीम में समथिंग वैसा सेट किया है। तो पहले रेड बलून है, फिर ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है और फिर इसके बाद ब्लू है, ऐसा बलून का पूरा थीम बना हुआ है। अभी मैं इसी फॉर्म में एक बलून आर्क बनाऊंगी। एक एक मैं आर्क में आर्क स्ट्रिप में सारे बलून सेट करती जा रही हूँ, बहुत ही ईजी वे में ये सेट हो रहा था, इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगी। देखिए श्रुति भी आ गया सो करके उठ करके और उसको बलून देख के बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो बलून खेलना शुरू कर दिया उसने वहीं पर ही। मैं जल्दी जल्दी सेट कर रही थी बलून्स को सारे और इसमें ये देखिए बलून फॉइल है जो कि मैंने कोकोमेलन की मंगाई थी। श्रुति कोकोमेलन को ज़्यादा ही पसंद है, वो जेजे के पीछे तो श्रुति को ज़्यादा ही पागल है। जेजे को देख करके इतना खुश हो जाता है वो, वही जेजे की अभी बड़ी सी एक फॉइल बलून है जेजे के पोस्टर का, उसमें जेजे कैरेक्टर का है फॉइल बलून, वो भी मैंने यहाँ पे लगाया नहीं था। श्रुति बाकी सारी चीज़ों को देख के इतना खुश हो गया, वो सब बलून को इधर उधर फैलाने में उसको इतना अच्छा लगा क्योंकि पहली बार उसने इतने सारे बलून देखे ना। मैंने हर बर्थडे पर श्रुति के बलून वगैरह से डेकोरेशन नहीं करती थी, मैं एक थीम बनाती थी, उस थीम के हिसाब से उसकी फ़ोटोशूट करती थी और केवल केक कटिंग करती थी। तो पहली बार श्रुति ने बलून देखे इतने सारे कि ये बलून लगे हुए हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया। ये देखिए मैंने बताया था जैसे मैंने वैसी थीम में पूरा सेट किया है, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू फिर पर्पल, एक रेनबो थीम में पूरा इसको सेट किया हुआ है। अब मैंने जो आपको बताया था कि मैंने वो जो रिबन्स क्यों लगाए थे वो देखिए, मैंने अब रिबन इसमें यहाँ पे सेट कर रही हूँ, एक एक बलून के बीच में एकदम राउंड करके उसको सेट कर दे रही हूँ, तो वो सारे सेट हो जा रहे हैं, बहुत आराम से फिक्स हो जा रहे हैं। ऐसा ज़रूरत लग ही नहीं रहा है कि मैंने इसको ऊपर कोई कील से इसको स्टिक नहीं किया है या मैंने कोई कुछ भी नहीं किया है, मैंने वॉल भी किसी तरीके से भी ख़राब नहीं करी है और बहुत आराम से स्टिक हो रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए और इस डेकोरेशन को कमेंट में जरूर बताइए कि आपको डेकोरेशन पसंद आया कि नहीं आया। और अगर आप मेरे चैनल पर पुराने आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव एंड प्लीज़ ऐसे मेरे साथ बने रहिए, अपना प्यार मुझे दिखाते रहिए और मेरे बेटे को ऐसी आशीर्वाद देते रहिए। ये देखिए कितने आराम से मैंने राउंड राउंड करके इसमें फिक्स कर दे रही हूँ और ये फिक्स हो गया। लास्ट में बलून आर्क बचा हुआ था काफ़ी सारा तो उसको मैंने लपेट के सेलो टेप लगा के उसको पीछे सेट कर दिया ताकि वो दिखाई ना पड़े। और कहीं कहीं पे अगर मुझे लग रहा है कि ये स्टिक सही से नहीं हुआ है, यहाँ पे मुझे थोड़ा खाली खाली दिख रहा है, वहाँ पे मैं बीच में बलून सेट कर दूँगी। थोड़े कुछ छोटे छोटे साइज़ के बलून मैंने फुलाए थे उसको मैं बीच में सेट कर दूँगी जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़ा खाली खाली सा लगेगा। और डबल टेप की हेल्प से कहीं कहीं पे बलून्स को मैं स्टिक कर दे रही हूँ डबल टेप की हेल्प से, ताकि वो बलून को थोड़ा और सिक्योरिटी मिल जाए, ये नीचे ना आए,
साइड साइड के बलून्स वैसे पूरा राउंड करके उसको सेट कर दे रही हूँ प्रॉपर, ताकि गैप दिखाई ना पड़े बीच का। और ये मैंने इश्क का एक बैग वो बनाया था, एक और बैकड्रॉप टाइप का था जिसको चॉकबोर्ड बोलते हैं, ये भी मैंने फ्लेक्स में ही बनाया था। इसमें इश्रित का नेम, निक नेम्स हो गए और लाइक डिसलाइक हो गए, इसके कितने टूथ है वो सब कुछ इसमें मेंशन है। काफ़ी अच्छा लगता है ये बैकड्रॉप के तरीके में चॉकबोर्ड, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद था। मैंने एक दूसरे का देखा था तो मैंने इश्रित के लिए इसमें फ्लैक्स में बनवाया था। जे जे का फॉयल बलून है, जे जे कलेक्टर का फॉयल बलून, इश्रित को बहुत ज़्यादा पसंद है, कोकोमेलिन थीम का पूरा था। इसमें ONE अल्फ़ाबेट का मैंने एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स बनाया था, और जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, जो स्टैंडी वर्क करता है, ये मैंने बनाया था ट्रांसपेरेंट वाला। और इसका भी अगर आप बोलते हैं तो इसका मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी। ये मैंने दो बलून स्टैंड लिया था, इसमें मैं बलून सेट कर रही हूँ। इसको पहले मैंने टेबल पे रखा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि टेबल पे रखने की वजह से मुझे बैक का कुछ भी नहीं दिख रहा है, फोटो पे कुछ भी फोटो में नहीं आ रहा था, फिर मैंने इसको नीचे सेट कर दिया। और ये भी कोको जो स्टार वगैरह हैं, ये कोकोमेलन के फॉल बलून के साथ ही मिले थे, तो ये मैंने ऊपर सेट कर दी। और ये मैंने सीलिंग पे ना कुछ रिबन्स लगा दिए थे, इसमें मैंने इश्रित की फ़ोटोज़ हैं उसको मैं सेट करूँगी। इसमें दो तीन फ़ोटो की मैंने वीडियो ले पाई थी, बाकी मैं वीडियो मैंने शायद फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो गया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर, तो थोड़ी ही फ़ोटो बन पाई हैं, थोड़ी सी आ पाई, बाकी मैंने इसमें सब पूरा सेट कर। बलून स्टैंड को मैं ये नीचे सेट कर दे रही हूँ। ये कोकोमेलन की फैमिली की जो पिक्चर थी वो भी फॉल बलून था, वो मैंने टेबल के ऊपर ही सेट कर दिया है। और ये जो ONE का जो स्टैंडी मैंने बनाई थी वो मैंने साइड पर सेट कर दिया है, उसके अंदर मैंने बलून्स डाल दिए छोटे छोटे से, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये देखने में। फोटो में शायद इतना क्लियर नहीं है, लेकिन सामने से बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और ये बर्थडे बॉय रेडी हो गए, हम सब भी रेडी हो गए, हम सब मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ही केवल यहाँ पे, तो हम भी रेडी हो गए हैं। इश्रित की दादी पापा के साथ वीडियो कॉल चल रही है, समय इश्रित रेडी होकर के आ गए हैं। इश्रित को इंगेज करने के लिए मैंने कार यहाँ साइड में रख दी, ताकि इश्रित वहाँ पे खड़े रह के केक आराम से काट ले, मुझे परेशान ना करे। और ये इश्रित अपना केक काटने के लिए बहुत परेशान कर रहा था, ये कह रहा था मुझे नीचे उतार दो, मुझे खेलना है, मुझे केक नहीं कट करना है। और इश्रित के यहाँ पे दो दो केक हैं, एक केक कोकोमेलन का जो मैंने थीम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने परचेस किया था, हमने बनवाया था, और दूसरा केक इसकी टिंकू बुआ है, उन्होंने इश्रित के लिए भेजा था, तो वो दोनों केक यहाँ पे रखे हैं। इश्रित की मैंने आरती उतार दी है, और मुझे इस पर हर समय प्यार आता है, दिन 50-100 बार तो मैं इसको किसी करती रहती हूँ। बहुत मुश्किल से तो एक केक काटेगा, पूरे टैंट्रम दिखा देगा, पूरे नखरे दिखा देगा, कैसे पैर ऊपर कर रहा है, चढ़ा जा रहा है, परेशान करके किसी तरीके से केक काटा, केक इसने काटा था। हैप्पी बर्थडे माई बेबी, इश्रित का हैप्पी बर्थडे हो गया है, इसका केक कट हो गया है, और इश्रित ने और बाद में डैडा मम्मा ने खूब सारा इन्जॉय किया यहाँ पर। नाउ दिस वीडियो इज़ अबाउट टू एंड, और प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और डेकोरेशन बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी था, बहुत आराम से आप घर में कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ मेरे बेटे को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा, और हमें ऐसे ही पसंद करते रहिए। थैंक यू।